सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण 3 महीने के शिशु का वेंटिलेटर पर होना ओमान में पहला मामला है। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी अस्पताल में गहन चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर बदर नासिर अल गेलानी ने ओमान टीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि 3 महीने का बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसे ओमान में वेंटिलेटर पर पहला बच्चा माना जाता है। हमें पहले भी कोविड-19 से संक्रमित बच्चे मिले हैं, लेकिन यह पहला मामला है जब कोई बच्चा वेंटिलेटर पर है। हमने मशीन से बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन बच्चे का शरीर छोटा है और वह खुद सांस नहीं ले सकता। आरोपी द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, कोस्ट गार्ड पुलिस नौकाओं ने मस्कट, मुसंदम, उत्तरी अलबातना और दोफार में 13 नावों से संकटपूर्ण कॉल का जवाब दिया। उनके नावों के समुद्र में टूट जाने के बाद 28 लोगों को बचाया गया। रॉयल ओमान पुलिस नाव मालिकों को सलाह देती है कि वे अपनी नावों का नियमित रखरखाव करें, पर्याप्त मात्रा में ईंधन लें और समुद्र में जाने से पहले सुरक्षा उपकरणों और प्राथमिक चिकित्सा की उपस्थिति सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमान में 1,508 नए कोरोना वायरस मामले और 16 मौतें दर्ज की हैं। देश में कुल मामले अब 1,85,278 हैं, जिनमें से 1,65,051 अब स्वस्थ हैं और 1,942 का निधन हो चुका है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।